देखिए, ये महाराष्ट्र में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं के उपचुनाव के नतीजे परिणाम आ जा रहा है। जहां तक उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उपचुनाव, तो यहां तो 10 चुनाव होना था। एक चुनाव मेरी सीट थी मिर्कीपुर की, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में, अयोध्या में है। मुझे देवतुल्य मतदाताओं ने जो सांसद बनाया, तो मेरी सीट खाली हो गई। उस सीट पर भी चुनाव होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डर और दहशत के कारण वहां चुनाव नहीं कराया, न चुनाव विधानसभाओं के। इस चुनाव में देखा गया, हम भी विधानसभा में गए, सीसामऊ में हम 5 दिन रहे, सभाएं भी किया और जनसंपर्क भी किया। और ये 9 चुनाव में, ये चुनाव पहली बार है देश की आजादी के बाद, ये पहला चुनाव हमने देखा कि एक चुनाव लोकशाही बनाम तानाशाही। लोकशाही बनाम तानाशाही, लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को समाप्त करके, और सत्ता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी चुनाव की कमान पुलिस के लोगों पर, सरकारी अधिकारियों पर डाल दिया था। और यहां तक की जानकारी मिली है कि उन्हें धमकियां भी दी गई, अगर सीट न जीती तो निलंबन हो जाएगा। यहां तक कि कल हम बैठे थे एक शादी समारोह में, तो वहां पे कुछ पीठासीन अधिकारी आए थे, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों के लिए किस तरह का डायरेक्शन था। तो ये पूरी तरह से सारी मान्यताओं को, और लोकतंत्र का जो पवित्र मंदिर है, उस मंदिर को पहली बार इन्होंने, इसकी मान्यताएं जो है, पवित्रता है, उसको समाप्त करने का काम किया है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छी न परंपरा है, न अच्छी शुरुआत है, न अच्छी मिसाल है। जनता सर्वोपरि है, आज चुनाव हो रहा है, और जो भी इस परिस्थितियों में भी हम जो कुल मतदाताओं को आभार प्रकट करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं कि इतनी रोक छोक के बाद ये हद कर दिया। पुलिस का दरोगा रिवॉल्वर लिए लहरा रहा है, वोट डालने से रोक रहा है, और यहां तक ये बताया गया कि जिन मतदाताओं के वोट बाहर थे, उन मतदाताओं के पर्चे लेकर के सारा वोट डाला गया। ये क्या है? क्या लोकतंत्र की यही पहचान है? तो इसके बावजूद भी जो भी परिणाम आएगा, मुझे उम्मीद है कि जनता जो है तानाशाही को हराएगी, और इस प्रदेश और देश में लोकतंत्र की रक्षा करेगी, मजबूत करेगी, और तानाशाही हारेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।